नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। अगर आप भी दिन भर काम करते हैं, दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा पाते, अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते, कहीं आ जा नहीं पाते, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपके साथ एकदम छोटी छोटी सी किचन टिप्स शेयर करूंगी, जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें और कीमती समय को अपने बच्चों के साथ बिताइए या फिर उनके साथ खेलने जाइए, उनको बहुत अच्छी अच्छी सी डिश बना के दीजिए। और ये बहुत ही इजी नुस्खे हैं, जिसको आप घर बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको मार्केट से खरीदने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, घर ही में हमारा सामान पड़ा रहता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता हम कैसे यूज़ करें, या फिर आप ये कह लीजिए कि हम अपने दादी नानी के नुस्खे भूलते जा रहे हैं, तो आज मैं आपको याद दिलाऊंगी। सबसे पहले हम तुलसी की बात कर लेते हैं। हमारे सबके घरों में तुलसी तो होती ही है और हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी का काढ़ा बनाते हैं, तुलसी चाय में डाल के पीते हैं। तुलसी की पत्ती के तो जाने कितने फायदे हैं आप सब जानते हैं, लेकिन हमारी तुलसी अचानक से सूख जाती है, हमको समझ में नहीं आता है कि तुलसी में क्या हो गया, हरी भरी तुलसी सूखने लगती है। तो आज हम तुलसी के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा लेके आए हैं। देखिए, आप भी देख रहे होंगे मेरी तुलसी में बहुत सारी मजरी लगी है, तो मैंने ये सारी मजरी तुलसी से उतार दी। जब भी आपकी तुलसी में ऐसे मजरी लगे तो आप पकने का बिल्कुल भी वेट ना करें, मजरी सारी आप तुलसी से तोड़ दें। और तुलसी को एकदम मजरी युक्त कर दिया हमने, देखो बिल्कुल तुलसी में मजरी अब नहीं है, थोड़ी बहुत जो फूल बचे हैं, जब ये मजरी फिर से बनेंगे तो मैं इनको फिर से निकाल दूंगी। इस तरह करके आप तुलसी की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और मैंने भी ये सारी मजरी तुलसी से निकाल दी है। तुलसी की लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी बारिश का मौसम है, अभी बहुत जल्दी जल्दी मजरी आएगी और तुलसी में पत्तियाँ देखिए कितनी हरी भरी हैं। तो आप बस मजरी का ध्यान रखते जाइए, जब भी मजरी आए आप उतारते जाइए, तुलसी आपकी कभी भी नहीं सूखेगी। और मैं मजरी के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, वैसे तो मैं बताऊँगी कि मैं मजरी का क्या करूँगी। मैंने ये मजरी लिया और इसको मैं तुलसी के नीचे ही ऐसे मिट्टी में डाल दूंगी, जिससे जो सूखी हुई मजरी है उससे मेरी छोटी छोटी तुलसी उग जाएगी और वो हमारे काम आएगी, उसकी हम पूजा करेंगे। और मैंने भागवत में सुना था कि अगर आप इस मजरी को तांबे के लोटे में पानी में डाल लेते हैं और शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता। ये मैं अपनी खुद की बात नहीं बता रही हूँ, मैंने भी भागवत में सुना था। तो आप चाहें आपके झगड़े हो रहे हैं तो फिर आप इसको भी अजमा सकते हैं, कहते हैं कि डिवोर्स होने से भी बच जाते हैं। तो अगर आप भी भागवतों में पुराणों में विश्वास रखते हैं, तो आप लोगों के पास ऐसी कोई समस्या है तो आप इसका भी एक बार उपाय कर सकते हैं। ये मैं खुद नहीं कह रही, मैंने सुना है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अब मैं आपके साथ दूसरी टिप शेयर करूंगी, जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा मेहनत से हम बच जाएंगे। हम लोगों के पास गर्मियों में ऐसे कूलर तो चलते ही रहते हैं, सभी के घर में होते हैं, किसी घर में प्लास्टिक के, किसी घर में लोहे के। तो मैं दोनों कूलर का बताऊंगी, प्लास्टिक वाले का हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम ये लोहे वाले की बात करते हैं। कूलर चाहे लोहे का हो या फिर प्लास्टिक का हो, हमको हर हफ्ते पानी चेंज करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है पानी, नहीं तो इसमें मच्छर हो जाते हैं। अब हम आपको एक ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आपको कूलर का पानी बार बार बिल्कुल भी नहीं बदलना पड़ेगा, तो आप इतनी बड़ी झंझट से मिनटों में बच जाएंगे। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए, पानी कितना भी साफ करो 8 दिन बाद ये पानी गंदा हो ही जाता है। बारिश के टाइम में तो इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, छोटे छोटे से मच्छर हो जाते हैं, डेंगू मच्छर हो जाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, जहाँ भी पानी जमा होता है वहाँ मच्छर की भरमार हो जाती है। जैसे हमारे छत पे टंकी रहती है, टंकी में मच्छर हो जाते हैं, हमारे पॉट में जो पानी एकत्रित होता है उस पर भी मच्छर हो जाते हैं। तो हर जगह आप ये कपूर की गोलियाँ डाल सकते हैं, 2 से 4 गोलियाँ डाल दें, कभी भी मच्छर नहीं होंगे। तो हमने ये कपूर की गोलियाँ ले ली है, हम घर में पूजा करते हैं, कपूर तो रहता ही है, तो हमने 6 से 7 गोली ले ली और इसको हमने पानी में डाल दिया। अगर आपके पास कपूर नहीं है तो आप केरोसिन का तेल 2 ढक्कन डाल दें, जिसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। बस कपूर और केरोसिन का तेल सेम काम करता है, तो जो भी आपके पास हो उस चीज़ को आप इकट्ठा हुए पानी में डाल दें, कभी भी मच्छर नहीं आएंगे। बस हमने ये कूलर की जाली बंद कर दी। अब हमको कूलर से बार बार पानी साफ करने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है, आराम से कूलर चलाइए। अब हम चलते हैं प्लास्टिक के कूलर की तरफ, जो हमारे इंडोर कूलर होते हैं, घर के अंदर रखे रहते हैं। इन कूलर में बहुत बड़ी समस्या होती है, रूम तो बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं,
लेकिन इन कूलर का पानी निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है। जितने आसानी से लोहे के कूलर का पानी निकाल सकते हैं उतना ईजी इन कूलर का पानी निकालना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इनका टैंक पूरा बंद होता है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा उपाय लेके आई हूँ, और अभी हम जो इसमें ये उपाय करने वाले हैं तो जिससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपके घर में बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे, दूसरी बात आपको बाहर से रूम फ्रेशनर खरीद के लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर ही में एक पंथ धोकाज करिए, एक तीर से दो निशाने लगेंगे आपके, आपके घर में मच्छर भी नहीं आएंगे और रूम फ्रेशनर की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपके यहाँ कभी कूलर का पानी बदबू ही नहीं मारेगा, क्योंकि हम उसमें कुछ ऐसा डालने वाले हैं। तो ये मैंने कूलर के ऊपर से ट्रे खोल दी। अगर आपके पास इस तरह का कूलर है जिसमें ऊपर से ट्रे खुलती है तो आप ये ट्रे खोल दीजिए, कूलर को ऑन कर दीजिए। मैं भी कूलर ऑन कर देती हूँ तो यहाँ से ये पानी आएगा और पूरा कूलर भर जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का ट्रे वाला कूलर नहीं है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप उसी तरह टैंक में जो अभी मैंने साइड से जाली खोल के दिखाई थी ना, उस जाली से आप कपूर की गोलियाँ डाल दीजिए इस कूलर में भी। और अगर आपके ऊपर से ट्रे वाला कूलर है तो भी बस आप इसके ट्रे में 5 से 6 गोलियाँ लीजिए और इसमें वही कपूर की गोलियाँ आप डाल दीजिए, जिससे आपके घर में बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे और बहुत अच्छी कमरे में खुशबू आएगी। लोग सोचते रह जाएंगे कि ऐसा क्या महक रहा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग खुशबू होती है इसकी। आपका मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जब कपूर की खुशबू पूरे घर में फैलेगी। और ये मैंने ट्रे में डाल दिया, कपूर की गोलियाँ थोड़ी देर में घुल जाती हैं तो ये पानी के साथ टैंक में मिक्स हो जाएंगी। अब हम चलते हैं बहुत ही खास और एकदम लास्ट टिप्स की तरह, बहुत ही सीक्रेट टिप्स है और इसको आप एक बार जरूर आजमाइएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत बचने वाली है। बारिश के मौके में हमारे दाल में, चावल में, सारी चीज़ों में छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकलती, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम उन अनाज का क्या करें, तो हम बस दिन भर बैठ के साफ ही करते रहते हैं। अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, अगर आप भी ऐसे ही बहुत सारे इकट्ठे चावल ले आते हैं तो आप उनको खराब होने से बचा सकते हैं। मैंने ये माचिस लिया और माचिस को चावल के बीच में आपको अच्छे से दबा देना है तो चावल में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपके चावल में कीड़े लगने से बच जाएंगे, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, जो कि त्यों आपके चावल रखे रहेंगे जैसे आप मार्केट से लाए हैं उसी तरह के चावल रहेंगे। और दूसरा, हमारी माचिस में जो सीढ़न लग जाती है ना बारिश के कारण, हम कभी पॉलिथीन में रखते हैं, कभी अलमारी में रखते हैं, तो आपको वो मेहनत करने से बचना है। बिल्कुल भी नहीं सीढ़न लगेगी माचिस में। अगर आप चावल में माचिस छुपा देते हैं तो माचिस भी आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेगी और चावल भी आपके फ्रेश रहेंगे। तो ये भी बहुत ही कमाल की टिप्स है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।